पता कि हर एक बंदे का चेहरा वहां से छोड़ते थे क्लियर है, पता लगे पूरी टीम में उसको मेरे बाबू ने बिट कर लिया वो बिल्कुल नहीं बोल रहे तो बीमार है जी। चलो एक लाख आज हमारा उस्ताद मलिक अवध साहब के डेरे पर एक मुश्तरका इकट्ठ हुआ है जिसमें हमारे फिक्स कबूतरों के सालसी कमेटी और ओपन कबूतरों के दोनों सालसी कमेटी के रकीन ने शिरकत की, चौधरी आजम साहब और उसके बाद वकार अजीम साहब, उस्ताद चौधरी आजम साहब, उस्ताद वकार अजीम साहब, उस्ताद फैसल शाह साहब, उस्ताद इशफाक साहब, मिस्त्री इशफाक साहब, उस्ताद साजिद साहब, उस्ताद चौधरी नसीर साहब, उस्ताद इदराक शाह साहब, उस्ताद राशिद खान साहब, उस्ताद सलीम, उस्ताद जावेद, उस्ताद यासर, खलीफा मैर, उस्ताद ताज और इनके अलावा भी हमारे कुछ दोस्त हैं वहाँ यहाँ पे शिरकत हुए। आज हमारे इस गार्ड का मकसद था कि हमारे जो कप ऑर्गेनाइज़र हमारे भाई काफ़ी मेहनत से हमारा शो करवा रहे हैं और उन्हें भी बहुत सारे मसाइल का सामना है और हमारा मकसद यह है कि कप ऑर्गेनाइज़र के साथ ऐसे उनके कवानीन बनाए जाएँ ताकि वो भी अच्छे तरीके से शो करा सकें और उनकी मामनत की जा सके। और पिंडी में जो कप के हवाले से शोक के हवाले से कुछ पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं जिसमें उन जो खामियाँ हैं या कुछ कमियाँ उनको बेहतर करने के लिए कुछ बुनियादी असूलों पर बात की गई है और ये असूल दोनों कमेटियों के जो दोनों हमारे सालसीन के ग्रुप हैं उनकी मशावरत से हुए हैं और कुछ चीज़ें इसमें जो कप ऑर्गेनाइज़र हैं उनको ऑन बोर्ड लेकर उनकी मशावरत के साथ एक मुश्तरका ग्रुप में बहुत सारी तफसीलात उनके साथ मिल बैठ के भी तय की जाएंगी। बुनियादी तौर पे आज जो हमारा एजेंडा था उसमें पहला जो पॉइंट था कि पिंडी इस्लामाबाद का जो पूरे शहर का कप है उसकी हदूद क्या होगी, तो उस हवाले से फैसला हुआ है कि रवात सिटी जो रवात शहर है वहाँ से लेके पेशावर रोड पे संगजानी तक, बराकाऊ लेतराड़ रोड पे ठंडा पानी और पिंड रांझा तक, ये पिंडी इस्लामाबाद के शहर की मैक्सिमम हदूद है। इस हदूद से बाहर कोई नहीं जा सकता, छत इंटर नहीं की जा सकती, इसके अंदर मखसूस एरिया के कप हो सकते हैं, सिर्फ पिंडी सिटी का है या सिर्फ इस्लामाबाद सिटी का है या कोई भी पिंडी इस्लामाबाद का, वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम हदूद ये है। दूसरा हमारा एजेंडा पॉइंट ये था कि कप इंतज़ामिया जो टोटल एंट्री होगी उसमें कितने परसेंट कटौती कर सकती है जो कप के हवाले से अखराज हैं इंतज़ामिया के, तो उस हवाले से मुश्तरका फैसला हुआ है कि टोटल एंट्री का 5% कोई भी कप इंतज़ामिया अपने अखराज के लिए और जो उनकी मेहनत है जो टाइम लगा रहे हैं उसके वजह से वो कटौती कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ये था कि कोई भी कप ऑर्गेनाइज़र है वो पाबंद है कि वो 2 दिन पहले छतों की एंट्री क्लोज करके एक फाइनल लिस्ट शाया कर दे। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे अगर जुम्मे को बाजी उड़नी है तो बुध रात 12 बजे से पहले पहले हर कप ऑर्गेनाइज़र अपनी तमाम छतें जो उसके पास इंटर है उनकी लिस्ट शेयर करेगा और अगले दिन वो इनामात की लिस्ट शेयर करेगा। अगले दिन अगर कोई छत एंट्री नहीं देती तो उसे निकाल दें और ये हर कप ऑर्गेनाइज़र पे लाजम है कि वो सिर्फ वो छतें एंटर करे जिनकी उसके पास एंट्री मौजूद है। अगर उसके बावजूद अपनी मर्जी पे अपनी डिस्क्रिप्शन पे कोई कप ऑर्गेनाइज़र किसी से एंट्री नहीं ले रहा तो वो उसकी जिम्मेदारी है, सासी की बेटी उसकी जिम्मेदारी जो होगी जो हाँ जी वो बिल्कुल वही होगा। और इसके बावजूद भी अगर कोई डिफॉल्टर है बंदा कोई एंट्री नहीं देता किसी वाले से या कुछ भी तो बाकी वो दोबारा वो और उसकी पार्टी किसी कप में शिरकत नहीं कर सकेगी, ये बात भी है जो एंट्री ना देने वालों के लिए। इसके वाले से एक और हमारी मुशावरत से बात हुई है कि कपों के अंदर मॉनिटरिंग का एक मजबूत सिस्टम होना चाहिए जिसके वाले से सेक्टर इंचार्ज, हर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र, वो सारी एक मुश्तरका हम एक ग्रुप भी बनाएंगे जिसमें तमाम का ऑर्गेनाइज़र और सासी कमेटी होगी और हर इलाके का एक सेक्टर इंचार्ज होगा जो कि एरिए में छतों की मॉनिटरिंग भी करे। इसके अलावा एक और अहम चीज़ थी कि बहुत सारे पिछले 2-3 सालों में ऐसा देखने को मिला है कि कुछ लोग कप ऑर्गेनाइज़ करते हैं उनका शौक से शायद ताल्लुक ही कोई नहीं है, ना उन्होंने घर में कबूतर रखे हैं, बस कप ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो आइंदा से सिर्फ वो बंदा कप ऑर्गेनाइज़ कर सकेगा जिसकी हमारी ये सालसी कमेटियाँ जिसको जिसकी तायीद करेंगी, जिसको अप्रूव करेंगी। उसके अलावा अगर कोई कप ऑर्गेनाइज़ करता है तो ना तो हमारी ये जो दोनों कमेटियाँ की इनकी छतें उस कप में इंटर होंगी और ना हम उसके किसी मसले के ज़िम्मेदार होंगे। जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र हमारी सालसी कमेटी से इनकी मशावरत से और जिनको हमारी सालसी कमेटी की तायीद हासिल होगी वो कप ऑर्गेनाइज़ करेंगे
उनके तमाम फैसलों में भी हमारी सालसी कमेटी, हमारी ये सालसी कमेटी उनके फैसले करेगी और उनको तमाम तरह से सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद ये है कि एक सालाना शेड्यूल बनाया जाएगा, क्योंकि देखा गया है कि कुछ कपों में 15 कबूतरों का कप भी उड़ रहा होता है और उसी में 7 कबूतरों का कप उड़ता है, और कई दफ़ा देखा गया है कि जो आखिरी कबूतर बैठते हैं वो लोग लिखवा देते हैं। तो आइंदा से कप ऑर्गेनाइजर के साथ हमारी सालसी कमेटी मिल के एक सालाना शेड्यूल बनाएगी, किस डेट को कितने कबूतरों का कप उड़ेगा, किस डेट को बच्चों का उड़ेगा, किस डेट को 15 कबूतरों का उड़ेगा, और जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर हमारी दोनों सालसी कमेटियों के अंडर शॉप करेंगे वो शेड्यूल को फॉलो करेंगे, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर कोई कप ऑर्गेनाइजर इनाम नहीं देता जो जिसकी सालसी कमेटी हमारी तायद करती है, तो फिर हमारी सालसी कमेटी उसकी सरजनिश करेगी, उनका बाइकआउट भी किया जाएगा। इसके अलावा जो बहुत सारे कुछ और मामलात हैं वो कप ऑर्गेनाइजर की मशावरत से तय किए जाएंगे और उसका हम बाद में ऐलान कर देंगे। बहुत शुक्रिया।